सो गाइस, गोवा पहुंच चुके हैं और गोवा में होटल ले लिए है। और होटल में अभी नहा धो के फ्रेश हो गए, बाकी लड़के नहा रहे हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद में हम जा रहे हैं बीच पे पार्टी करने, जहाँ के काफ़ी सिंगल लोग आ रखे हैं। वहाँ पे जाके बताते कि पार्टी कैसी है और कैसी होती है। मैं तो फर्स्ट टाइम है गोवा में। ये मेरा शाहरुख भाई, हम होटल के अंदर चले हैं, सब एंजॉय पार्टी करेंगे आज न्यू ईयर की। और अभी हम सब फ्रेंड लोग नारे दौरे तैयार हो रहे हैं, सब थोड़ी ना होगा कि कैंसिल करवा दिया और सब अभी तैयार हो रहे हैं। अभी तो लोग कल को दिन घूमो कहीं होते हैं सीना में कहीं हो जाए। हम बीच पे जा रहे, रास्ते में इतनी भीड़ हो रही है, आज गोवा में पार्टी है न्यू ईयर के चलते। और हमारे गोलू भाई और ये हमारे शाहरुख भाई सैमसम दोनों भाई बन के आए, और पीछे का नज़ारा दिखाते। काफ़ी जाम लग रहा है न्यू ईयर के चलते पूरे बाजार में। देखो गाइस, गोवा में कैसे दारू बिकती, कितनी भीड़ लग रही है। कोई नीचे बेच रहा है फुटपाथ पे, कोई ऊपर बेच रहा है। गोवा में बहुत काजू सस्ते हैं, तो इसलिए काजू की शॉप पे हम चलते हैं और काजू के बारे में पता करते हैं क्या भाव है। क्या किलो है भैया? 650 रुपये किलो। गोवा में 650 रुपये किलो काजू। सब लोग तो बोलते भैया बहुत सस्ते है काजू। सस्ता रहता है, छिलके वाला रहता है ना, 600 रुपये किलो। अच्छा, और उससे कम रेट में कोई काजू नहीं है? उससे कम रेट में नहीं रहेगा, कोई सा भी काजू नहीं आया? नहीं। अच्छा, थैंक यू भैया। लोग झूठ बोलते हैं कि गोवा में 200-300 रुपये किलो जो काजू मिलता है, ऐसा कुछ नहीं मिलता भैया। ये काजू के बहुत सारे ढेर है, देख लो आपने। गाइस, हम ब्रिज पर पहुंच चुके हैं। ये ब्रिज की लोकेशन, चारों तरफ पार्टियां चल रही है। काफ़ी देर वेट करने के बाद हम ब्रिज पर पहुंचे हैं और अभी आपको दिखाते हैं। और
Yeah.